हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बर्गर किंग आईपीओ जो आया था अभी रिसेंटली। इस आईपीओ ने काफ़ी टाइम से धूम मचा रखी है और न्यूज में है 14 तारीख से ही, और उससे पहले से भी इस पर काफ़ी हाइप क्रिएट किया गया था। तो क्या पूरा गेम है इसका, कैसे ये फंडामेंटल्स रखता है कि अपने जो कंपटीटर्स हैं इसके मार्केट में उनसे अगर कंपैरिजन करें तो क्या वैल्यू ये डिजर्व करता है। क्योंकि शेयर प्राइस जो आया था, मैं अभी आपको पूरी लिस्टिंग दिखाऊंगा इसकी, तो जिस प्राइस पे ये इशू हुआ था वहाँ से कितने गुना ये हुआ है और आज किस लिए ये न्यूज में है। तो फंडामेंटल क्या इसको प्राइस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, नहीं रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या डाउन साइड है, क्या अप साइड है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं किस प्राइस पे ये आया था, क्या इसकी लिस्टिंग डेट्स हैं। तो बर्गर किंग आईपीओ जैसे आप देख रहे हैं, अब देखिए जो इसकी लिस्टिंग डेट थी वो है 14 तारीख की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आईपीओ की डेट आई थी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के लिए ओपन हुआ था। 810 करोड़ रुपए इनका जुटाने का पूरा मोटिव था और आईपीओ प्राइस जो 5960 रुपीज का पर इक्विटी शेयर था, लॉट साइज जो था वो 250 शेयर्स का था और लिस्टिंग जो है NSE BSE दोनों पर होनी थी। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था इस इशू से, बर्गर किंग लिमिटेड प्रपोजेज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्लैश इशू फॉर फंडिंग द रोल आउट ऑफ न्यू कंपनी ऑन बर्गर किंग रेस्टोरेंट जनरल ऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट पर्पजेज। इन जो नए स्टोर्स ये खोलने का आगे का इनका प्लान है उसके लिए फंडिंग चाहिए इनको, तो उसके लिए आईपीओ लाया गया था 810 करोड़ रुपये इन्होंने कंपनी ने यहाँ से जुटाए हैं। जो 14 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हुई है NSE BSE पर, तो आप देखेंगे जो इसकी लिस्टिंग हुई है वो 92% प्रीमियम पर हुई है। जो आप देख रहे हैं 5960 का जो इसका इशू प्राइस था 60 पर लिस्ट हुआ था और 92% प्रीमियम के साथ ये ओपन हुआ और जो क्लोज हुआ है वो 125% के साथ फर्स्ट डे पे क्लोज हुआ है 14 दिसंबर को और प्राइस था 135। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ जो आप देख रहे हैं 60 पर इशू हुआ 112.50 14 दिसंबर को ही ओपन हुआ, उसके बाद ये 135 के आसपास गया और वहीं पर ये क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे देखेंगे तो 120% के आसपास का इसमें अपर सर्किट था 162, नेक्स्ट डे देखेंगे 194.40 अपर सर्किट था, उससे नेक्स्ट डे देखेंगे यानी आज 17 दिसंबर को 213 रुपये आस 80 पैसे के आसपास का जो इसने हाई बनाया था, बट उसके बाद 10% लोअर सर्किट में ये फंसता हुआ नजर आया 175 रुपये पे। यहाँ पर देखिए जो कैंडल्स बन रही हैं, फर्स्ट डे आप देखेंगे तो 14 दिसंबर जो डेट देख रहे हैं आप, 108.40 का इसने लो बनाया, ओपन हुआ 112.50 का, 60 रुपये का शेयर ऑलमोस्ट 92% पे प्रीमियम के साथ ओपन होता है और 112.50 पे हाई बनाया, 135 रुपये क्लोज भी हुआ, 135 पे लो बनाया 108.40। नेक्स्ट डे ओपन होता है 147 पे और क्लोज और जो हाई है वो 162 रुपये पे होता है 20% सर्किट, उससे नेक्स्ट डे 184 पे ये ओपन होता है, 194.4 पे क्लोज होता है और हाई भी वही रहता है। आज यानी 17 दिसंबर को जो है ये क्लोज हुआ है 175 पे, जबकि ओपन हुआ था 10% ऊपर 213 पे 80 पैसे के आसपास, तो उसके बाद ये जो है लोअर सर्किट में फंसता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं कि ये लोअर सर्किट में फंसता हुआ नजर आया। तो एक और इसके हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि ऐसे इसने पिछले कुछ सालों में काम किया है, क्या इसकी रेशियोज हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि किसी भी शेयर के आसपास जो आपकी जजमेंट होती है वो तभी आती है जब उसके फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट करते हैं और टेक्निकल्स बोलते हैं कि हाँ इस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए। देखिए कोई भी जो शेयर होता है, आप अगर पूछें कि इसमें पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या शेयर अच्छा है या बुरा है, देखिए शेयर अच्छा है इसमें कोई डाउट नहीं है, जो इंडिया की कंजम्पशन थ्योरी है वो हमेशा चलेगी, इसलिए बाहर की जो कंपनी जहाँ इंडिया में पैसा लगाती हैं। बट मेन डिपेंड करता है कि आपने वो शेयर किस रेट पे लिया, अगर आईपीओ पे वो आपको अलॉट हुआ है 60 रुपीज़ में तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ही शेयर होगा। अगर आपने ये शेयर जो लिया है जैसे आप मैंने आपको दिखाया 213.80 के आसपास जब ये अपर सर्किट में फंसा था, तो अगर आपने इस रेट पे लिए हैं या इसके आसपास कहीं भी लिए हैं 190 पे भी लिए हैं, तो ये शेयर हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़े टाइम के लिए आपके लिए बुरा शेयर बन जाए, और अगर लोअर साइड में कहीं पर भी लिए हैं तो आपके लिए अच्छा
होगा। बोलते हैं भाव ही भगवान है और शेयर मार्केट में चलता है। अगर रेट अच्छा है तो शेयर अच्छा है आपके लिए, और रेट अगर आपका बुरा लिया हुआ है, आपकी बाइंग प्राइस बुरी है, तो वो शेयर अच्छा शेयर भी बुरा बन जाता है। जैसे रिलायंस अगर 2300-2400 रुपये आपने लिया और 1900 के आसपास है या 2000 के आसपास है तो वो आपके लिए बुरा है, 1500 रुपये लिया है तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो डिपेंड करता है आपने किस क्या आपकी बाइंग प्राइस है। तो मार्केट का इसका डिस्कस करते हैं। बर्गर किंग इंडिया जैसे आप देख रहे हैं, मार्केट कैप जो है 6516 करोड़ का है। और इसके साथ ही मैं बेस्ट लाइफ का भी आपको कंपैरिजन दिखाता हूं, जो कि मैकडी के अंदर डील करती है, बर्गर के अंदर ही सेम बिजनेस में है दोनों। तो इसका जो मार्केट कैप है 6815 का है, जबकि इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 6500 के आसपास का है, तो काफ़ी नियर बाई है। जबकि वैल्यूएशन आप देखेंगे कि बेस्ट लाइफ के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, काफ़ी टाइम से इंडिया में काम कर रही है, मार्केट लीडर है वो। इनका जो मार्केट शेयर है, एक मैं आपको मार्केट शेयर भी दिखा देता हूँ, जो बर्गर किंग का हेल्ड 4% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर इन QSR स्पेस इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि जो बर्गर किंग का मार्केट शेयर है बहुत ही कम है। आप मैकडी का देखिए, डोमिनोज का देखिए, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर ये लेके बैठे हुए हैं। KFC का देखिए, सबवे का देखिए, इनका मार्केट शेयर काफ़ी कम है। तो आप इनके रेवेन्यूज भी अगर देखेंगे स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, कंपैरिजन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, नो डाउट। अगर आउटलेट्स देखें, 2015 में ये इंडिया में आई थी, तो 2015 में जो इनके आउटलेट्स थे, 12 से इन्होंने स्टार्ट किया, 49 हुए, 88 हुए, 129, 187, 260 तक ये पहुँच गए हैं। मार्च 2020 की ये डेट है जब इन्होंने रिजल्ट्स अपने बताए थे कि 260 तक ये टोटल आउटलेट्स हो गए हैं। अगर इसके एवज में आप रेवेन्यू को देखते हैं, मार्च 2017 में जो था इनका रेवेन्यू 234 करोड़ का था, 388 करोड़ हुआ, फिर 644 हुआ, 846 हुआ। तो रेवेन्यू भी इनके अच्छे, जैसे जैसे स्टोर बढ़े तो रेवेन्यू ओबियस है बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बट लॉसेज आप देखिए, 2017 में ही इन्होंने जो लॉस किया, -71 करोड़ का लॉस है। यहाँ पर लॉस देखिए मार्च 18 में -82 का करोड़ का लॉस है, मार्च 19 में देखिए -38, और मार्च 20 में -76 करोड़ का लॉस है। तो पिछले 4 सालों में इनके रेवेन्यू जरूर बढ़े हैं, बट लॉसेज भी आप देखेंगे कि अराउंड 70 करोड़ के आसपास के लॉसेज भी इनको हर साल ले रहे हैं। तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नज़र नहीं आई है। जो इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है 500 से 550 रुपये की, बर्गर की एवरेज ऑर्डर प्राइस है, और जो डेली की सेल है पर स्टोर अगर देखें, एवरेज जो सेल है पर स्टोर वो 1,15,000 के आसपास की आती है। बट मेन है कि ये जो लॉस कर रही है, स्टोर बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सब चीज़ सही जा रही है, बट जो लॉस कर रही है कंपनी पिछले 4-5 सालों से, वो किस टाइप से आगे मैनेज करती है, क्योंकि इनको स्टोर अभी और खोलना, जो IPO आया है वो और स्टोर खोलने के लिए लाया गया है पैन इंडिया बेस पर ही, अपना काफ़ी ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं। जो 4% का मार्केट शेयर मैंने आपको दिखाया अभी, तो ये उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टोर्स खुलेंगे। बट कंपटीशन सिर्फ इनका मैकडी, डोमिनोज, KFC वगैरह से नहीं है, जो इंडिया में स्ट्रीट फूड है, जो रोड साइड पे वेंडर्स हैं, उनके साथ भी इनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो सर्वाइव कितना ये करते हैं, कितना अपने आप को लॉस से प्रॉफिट में लाते हैं, आने वाला टाइम बेसिकली जो इसका शेयर प्राइस है उसके अंदर ही दिखाई देगा। अब आप देखिए दोनों को अगर कंपैरिजन करते हैं, तो बर्गर किंग का जो है मार्केट कैप जैसे उन्होंने बताया 6500 का है, और बेस्ट लाइफ का जो है 6800 के आसपास का है। अब जो इनकी रेशो देखेंगे, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है 0.80, और ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है -27.8% है। आप इसको ध्यान दीजिए, बेस्ट लाइफ की जो है -2.21 है, जबकि ROC जो है पॉजिटिव है उसकी, दोनों ही नेगेटिव हैं, इसकी एटलीस्ट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब आप बर्गर किंग का अगर रिजल्ट्स देखते हैं ईयर ऑन ईयर, पिछले कुछ सालों के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे डिस्प्ले नहीं है, अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स हम देखते हैं, सेल्स जो थी 139 करोड़, 2016 से इंक्रीज होकर 841 करोड़ के आसपास पहुंची है। OPM जो किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो -23% थे, वो एटलीस्ट पॉजिटिव हो गए हैं पिछले 2-3 साल से, जो कि 12% के आसपास से काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहे हैं -32 से इंक्रीज हुए हैं, और 103 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहे हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो -38 से इंक्रीज हुआ है, आप देखिए इंक्रीज हुआ है -77 करोड़, और पिछले 5 सालों में माइनस में ही कंपनी चल रही है। अच्छी चीज़ है कि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है, बट नेट प्रॉफिट जो वो
एज इट इज बना हुआ है, माइनस में ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ 0 करोड़ का इंटरेस्ट था, 27, 37, 46, 65, ये इंक्रीज होता जा रहा है। इनकी बुक्स पे डेट कितना है पर वो भी हम चेक कर लेते हैं। बुक्स पे जो डेट दिखाई देता है 2016 में 0 था, इसलिए वहाँ इंटरेस्ट हमें 0 दिखाई दे रहा था। 2017 में इन्होंने 291 करोड़ का डेट उठाया, जो कि बढ़ के 370 करोड़ हुआ, फिर 574 करोड़ हुआ, देन 796 करोड़ के आसपास का डेट। तो डेट देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है जो इंटरेस्ट बर्डन है इनके ऊपर वो भी बढ़ रही है। इंटरेस्ट बर्डन बढ़ रही है तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ रहे हैं अपना खर्चा पानी निकालने के बाद और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, अदर जो एक्सपेंसेज हमको निकालने के बाद, तो नेट जो है ये लॉस में जा रहे हैं। तो जब तक कंपनी अपना डेट रिड्यूस नहीं करती है तब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगी। रिवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, मार्जिन बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, बट जो है इंटरेस्ट जो है उस सारे प्रॉफिट्स को खा रहा है। अब अगर वेस्ट लाइफ से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर जो इनके रिजल्ट्स हैं अगर आप देखेंगे, तो 2009 में इनकी सेल जो 1 करोड़ से बढ़ के जो है 1548 करोड़ की हुई है, मार्च 2020 में 48 करोड़ की है। अब इनकी सेल देखिए 2020 में 841 करोड़ की है, जबकि वेस्ट लाइफ की सेल जो है 2020 में 1548 करोड़ की है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इनके 14% के हैं, जबकि इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है 12% के हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है 103 करोड़ का आ रहा है, अगर वेस्ट लाइफ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 209 करोड़ का आ रहा है। आप देखिए कितना डिफरेंस है, 209 और 103 ऑलमोस्ट डबल का है वेस्ट लाइफ को जो आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2020 में -77 करोड़ का जो लॉस किया है, और वेस्ट लाइफ का जो लॉस है -7 करोड़ का है। जो भी इम्पैक्ट जो इनका आया है उस वजह से लॉसेज हैं, बट आप देखेंगे पिछले कई सालों से ये भी माइनस शो कर रही है रिजल्ट पर, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर माइनस शो कर रही है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब डेट भी अगर हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट पर क्या डेट है, डेट इनकी जो है पहले 0 थी, इनकी भी डेट जो है इंक्रीज हो रही है। आप देखिए इनकी भी डेट पर पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। रिजर्व जो है इनके पास 453 के रिजर्व्स हैं। अगर बर्गर किंग के आप रिजर्व्स पर नज़र डालेंगे तो जो रिजर्व है -2 के हैं। आप देखिए रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 453 एंड वहाँ देखेंगे -2। एसेट्स आप देखिए 1198 करोड़ के जो वेस्ट लाइफ बर्गर किंग के जो एसेट्स हैं 1198 करोड़ के हैं, जबकि वेस्ट लाइफ के आप देखेंगे 1750 करोड़ के हैं। तो अगर दोनों कंपनी को आप कंपैरिजन करते हैं तो वेस्ट लाइफ मच बेटर है उससे, अगर सेम फील्ड में है, मार्केट साइज इसका बड़ा है वेस्ट लाइफ का, मैगडी का वो ग्रोइंग कंपनी है, बट अभी उस टाइप से मैनेज नहीं हो पाई है क्योंकि उसकी डेट ज़्यादा है। ग्रो कर रहे हैं स्टोर वाइज भी और रिवेन्यू वाइज भी, ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छे आ रहे हैं, और बट जो डेट बर्डन उसकी बुक्स पे दिखाई देता है वो आगे भी चल के अगर ऐसा ही रहता है या इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं ये जो शेयर प्राइस पे प्रेशर जरूर बिल्ट अप करेगा। क्योंकि आप देखेंगे जो वेस्ट लाइफ का शेयर भी है वो आज 7.5% के आसपास डाउन था, वो 10% डाउन था, बट वो काफ़ी बढ़ के डाउन आया है, तो ये 7.5% ये भी डाउन था। अगर 6 महीने में देखेंगे तो ये 300 रुपये से परफॉर्म करता हुआ 434 रुपये के आसपास गया है, और एक साल का भी इसका देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखेंगे ये एक साल पहले भी 477 के आसपास था, वहाँ से थोड़ा सा माइनस में ही है अभी, और 5 साल में देखेंगे तो किस टाइप की परफॉर्मेंस इसने दी है। आप देखेंगे 5 साल में 2019 से इसका ग्राफ है तो आप देखेंगे 281 से ऑलमोस्ट जो है 434 के आसपास से पहुँचा है। तो ओवरऑल ये है कि जो बर्गर किंग है इसको परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, जैसे जैसे ये नए स्टोर खोलेंगे और ज़्यादा खोलेंगे स्टोर्स, रिवेन्यू डेफिनेटली इनका बढ़ रहा है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, मार्जिन्स अच्छे हो रहे हैं इनके, मार्जिन्स आगे प्रेशर में रह सकते हैं क्योंकि कंपटीशन इंडिया में काफ़ी है, इस लाइन के अंदर भी काफ़ी कंपटीशन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ेंगे उससे, बट नेट प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब इनके डेट कम होगी, इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, उसके बाद ही ये कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में आ सकती है। अब शेयर को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, शेयर जिन्होंने नीचे के भाव पे ले रखा है 100-120 के आसपास भी ले रखा है उनको रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहिए, और जिन्होंने अपर के लेवल पर ले रखा है उनको डेफिनेटली उनके लिए शेयर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में जो भी चढ़ता है तो वो सही नहीं होता है। चलती हुई ट्रेन में बहुत लोग चढ़े होंगे कि अपर सर्किट लग रहे हैं, 20-20% के डेली अपर सर्किट लग रहे हैं, तो वैल्यूएशन हमेशा देखनी चाहिए कि वो जो सर्किट लग रहे हैं 60 रुपये का शेयर अगर प्रमोटर्स ने निकाला है उसकी वैल्यू 60 रुपये के आसपास ही होगी कहीं पर, अदरवाइज वो भी 100 रुपये या 150 रुपये की वैल्यूएशन पे और ज़्यादा
शेयर्स को वो कर सकते थे, माल उठा सकते थे, या कम शेयर्स निकाल के अपना अपना कैपिटल वो कर सकते थे। तो ये पूरा के पूरा जो होता है ऑपरेटर्स की ही गेम होती है। पहले मार्केट में देखो हर साल इसके माइनस में रिजल्ट्स थे, 2016 17 18 19 20 हर साल माइनस में रिजल्ट्स थे, सेल जरूर बढ़ रही थी। तो हाइप ये क्रिएट किया गया कि इनकी सेल्स सिर्फ दिखाई गई न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, कि सेल बढ़ रही है, अच्छी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, और कंजम्पशन थ्योरी इंडिया की अच्छी है, और स्टोर खोलेंगे तो और सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट्स आएंगे। बट किसी ने लॉस का नहीं बताया कि ये पिछले 5 साल से कंपनी लॉस ही कर रही है। तो हाइप क्रिएट किया गया, उस हाइप के थ्रू जो सब्सक्रिप्शन थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए, और उसके बाद जो शेयर का प्राइस लिस्ट हुआ वो भी डबल के आसपास लिस्ट हुआ। उसके बाद उस पर अपर सर्किट लगना 3 दिन के लिए। तो हमें वैल्यूएशन हमेशा देखनी चाहिए, 135 देन 162 194 214 के आसपास, और एक बबल क्रिएट हो जाता है और वो बबल हमेशा ही बस्ट होता ही होता है। और आज जैसे हुआ 175 के आसपास ये हुआ, कल ये डाउन जाएगा अप जाएगा कुछ नहीं कह सकते, बट इस वैल्यूएशन पे ये शेयर डेफिनेटली महंगा है, इस पे इसे नहीं लेना चाहिए। अगर ये सर्किट से निकलता है तो इसे बेच के निकलना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर ये आपको अगेन 90 या 100 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर बनना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहिए, बट इस वैल्यूएशन पे ये शेयर काफ़ी महंगा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिए, इसे लेने से पहले, रखने से पहले, प्रॉफिट बुक करने से पहले, या लॉस बुक करने से पहले, और जैसा उनकी एडवाइस हो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। मेरी एडवाइस यही है कि ये शेयर इस लेवल पे, इसकी वैल्यूएशन ये डिजर्व नहीं करता है, ये सपोर्ट नहीं करती हैं वैल्यूएशंस, तो मेरी एडवाइस यही है कि इसे निकलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।